हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बेटा आप कंसेप्ट नंबर 43 और बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं एक और कैपिटल एडजस्टमेंट के केस का। तो बाबू मैंने पहले ही बोला था रिटायरमेंट में 5 केसेस हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, जिसमें 3 हम कर चुके हैं बेटा, 2 और केस की बात करनी है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे आप मेरे साथ साथ, पहले लिखने पे जोर दो। कंसेप्ट नंबर 43 कैपिटल एडजस्टमेंट, केस 5। ओहो सॉरी सॉरी, वैसे गलती निकालने की सजा बहुत भारी है मेरी, सेट भी गलती निकाली तुमने। अब देखो तुम टेस्ट में क्या होगा तुम्हारे साथ। इतने सेट मुझसे नहीं बनते। फटाफट से नोट डाउन करो। लो प्यारे बच्चों फटाफट से नोट डाउन करेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता देता हूँ एग्जाम में या तो केस नंबर 4 आता है या केस नंबर 5 आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस नंबर 5 है, सेकेंड नंबर पे केस नंबर 4 है बेटा, और फिर आने को कुछ भी आ जाए, केस नंबर 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, लेकिन है सबसे इम्पॉर्टेंट 5th और सेकेंड नंबर पे इम्पॉर्टेंस है केस नंबर 4 की। लो प्यारे बच्चों समझते हैं बेटा, पहले देखते हैं केस क्या है। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय ब्रिंगिंग कैश एंड डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट। बेटा क्या ये पहली बार बात हो रही है कि नए पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए? ये बात पहले हो चुकी है बेटा, बहुत बार हो चुकी है कि नए पार्टनर कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, लेकिन बेटा ये बात पहली बार हो रही है कि रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है ना वो हम देंगे अपने आप कैश लाकर। यानी कि फर्म के पास जितना मर्जी कैश पड़ा हो फर्म के कैश से नहीं देंगे, हम लाएंगे वो पैसा भी। बाबू कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है बेटा आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है ना, 3 पार्टनर है बेटा ए बी और सी, 3 पार्टनर है,
और बेटा मान लो बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, और बेटा बी का जो बैलेंस आ रहा है निकलकर सारी एडजस्टमेंट के बाद वो 60,000 है। बेटा अब क्वेश्चन कहता है बी को अभी पे कर दो, लेकिन ए और सी ने डिसाइड करा ये जो 60,000 हम पे कर रहे हैं ना, ये फर्म के कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस से पे नहीं करेंगे, ये 60,000 भी हम लेकर आएंगे घर से। एक तो ये बात, और दूसरी बात हम चाहते हैं हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए, ठीक है ना, ये 60,000 भी हम लेकर आए और हमारी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए बेटा, ठीक है। अब कैसे होगा बेटा, एक बार तो आप लिख दोगे टू कैश 60,000, कैसे ये 60,000 लाएंगे और कैसे इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी ये बात सुनो। जब आप बैलेंस कैरेट डाउन निकालने की कोशिश करोगे ना बेटा, निकालना रफ में, पहली बात रफ में निकाल लिया, जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को आपने पे कर दिया है उसको भी जोड़ दो, यानी कि बेटा इन दोनों का बैलेंस सीडी जोड़ दो जो आपने रफ में निकाला, जितना भी आपने पे कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को वो भी जोड़ दो बेटा, और बाबू अब जो कैपिटल बनी उसको न्यू पीएसआर में बांट दो। वो न्यू पीएसआर ही बेटा क्या होगी, बैलेंस कैरेट डाउन होगी, और यकीन मानना जब वो बैलेंस सीडी आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली देखना ए और सी इतना कैश ला रहे होंगे कि वो मिलाकर 60,000 ही बैठेगा ही 60,000, देख लेना बेटा। एक तो प्रोपोर्शनेट होगी कैपिटल, दूसरा वो ही लाए हैं बेटा रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए पैसा, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, यही कह रही है ना कैपिटल एडजस्टमेंट, कि रिमेनिंग पार्टनर ये चाहते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पे किया है वो हम अपने पैसों से करें और साथ ही साथ हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए बेटा। आपको करना क्या, कुल मिला के अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तीनों का बैलेंस सीडी निकाल दो बेटा, तीनों का बैलेंस सीडी जोड़ दो और दो रिटायरिंग पार्टनर में बांट दो बेटा न्यू पीएसआर, सब कुछ हो जाएगा बेटा जो जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये मैं प्रूव करूंगा एक क्वेश्चन करके, लिखे मैंने स्टेप वही है बेटा, देखना मैंने क्या स्टेप लिखे हैं। कैलकुलेट कर लो क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस सीडी इन रफ, फेयर में मत करना, कैलकुलेट कर लो बैलेंस ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है, कुल मिला के मिल ले दो तीनों बैलेंस सीडी है बेटा, और क्या करो बेटा स्टेप वन स्टेप टू को ऐड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू पीएसआर में, ठीक है जी, करके देखें। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, लो बात करते हैं बेटा, बड़ा क्वेश्चन करते हैं पहले, छोटा क्वेश्चन बाद में करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 53, दो ही क्वेश्चन है मेरे पास इसके बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 52 एक 53, पहले बड़ा क्वेश्चन करते हैं छोटे क्वेश्चन को भी देखेंगे बेटा। बाबू आप पढ़ना शुरू करो फटाफट से, आप पढ़ो फटाफट से ढंग से, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही पढ़ो। क्वेश्चन रीड किया बेटा सबने, चलो जी बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करेंगे, बैलेंस है हमारे पास 165, 84 और 66 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 165, 84,000 and 66,000। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बाबू लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 22,500। बेटा क्या कोई लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, नहीं, बांट दें बेटा, ओल्ड रेशियो इज 5:3:2,
बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5:3:2। चलो जी बेटा, हमने बांट दिया 5:3:2 में, बढ़ते हैं आगे। बाबू कहते हैं वाई रिटायर हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। बेटा नई रेशो दी हुई है मेरे को, बेटा किसकी, एक्स और जेड की नई रेशो पता है 3:2 है। तो बेटा सबसे पहले गेनिंग रेशो निकाल लें, गेनिंग रेशो निकालते हैं फटाफट से। गेनिंग रेशो एक्स की बेटा क्या फॉर्मूला है बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो इज 3/5 एंड द ओल्ड रेशो इज 5/10। तो बेटा एक्स और जेड की गेनिंग रेशो कितनी आ गई, 1:2 आ गई, ठीक है जी। अब बेटा जितना भी आपको पे करना पड़ेगा वाई को, गेनिंग पार्टनर पे करते हैं, गेनिंग रेशो में पे करते हैं। फर्म की गुडविल है बेटा 1,12,500, वाई का शेयर कितना है 3/10, दैट मीन्स 33,750। इसको पे करेंगे बेटा एक्स और जेड अपनी गेनिंग रेशो में, यानी कि बेटा लो 1:2 में मैंने डिवाइड कर दिया। नंदनी ऐसी होती है कैलकुलेशन बेटा। चलो जी तो बाबू वाई को पे कर रहे हैं एक्स और जेड अपनी गेनिंग रेशो में, मैंने फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा। पे कौन कर रहा है बेटा वाई को, एक्स और जेड अपनी गेनिंग रेशो में। लो जी एडजस्टमेंट कर दी हमने इस चीज की भी बेटा। बढ़ो आगे, फिक्स्ड एसेट्स को 20% एप्रिशिएट करना है बेटा, तो कर दो बेटा एप्रिशिएट, क्या दिक्कत है। बाय फिक्स्ड एसेट्स 1,87,500 बेटा कितना आ जाएगा, 37,500। आपको 20% से एप्रिशिएट करना है, हमने कर दिया 20% से एप्रिशिएट। पुरानी फिक्स्ड एसेट्स हैं बेटा 1,85,500 की, और बेटा 37,500 से और एप्रिशिएट हो गई, ठीक है जी। बढ़े आगे, कहता है स्टॉक को रिड्यूस कर दो 75,000 रुपए तक, रिड्यूस्ड 275,000, 75,000 तक ले आओ बेटा। है कितने का, 82,500, यानी कि 7,500 से कम करना है बेटा। तो बेटा कर दो 7,500 से कम, टू स्टॉक 7,500, और बेटा बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा कितना, 75,000। ऑल क्लियर, पॉइंट नंबर 4 सबसे काम का। वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू पीएसआर। पढ़ा बेटा आराम से, वाई को पे करना किस अमाउंट से जो एक्स और जेड लाएंगे। सर हमारा कंसेप्ट नंबर 43 भी तो यही है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर ने ये डिसाइड करा कि रिटायरिंग पार्टनर को हम अपनी जेब से पे करेंगे खुद पैसा लाकर, और हम चाहते हैं बेटा हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए बेटा, ठीक है जी। हमारा कंसेप्ट नंबर 43 भी यही बोलता है बेटा। चलो बाकी सब कुछ एज इट इज करना है बेटा, जैसे करते हो फटाफट से क्लोज करो अकाउंट बेटा। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 30,000 का, किसमें बटेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर इन आ ओल्ड रेशियो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, किस रेशियो में, 5:3:2। लो जी बेटा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, हाथों हाथ पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा दो, अब बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पॉइंट नंबर 4 कहता है वाई इज टू बी पेड, वाई को पे करना है। चलो जी वाई का तो हिसाब किताब निपटाओ बेटा, पे करना है, चाहे वो पैसे एक्स और जेड लाएंगे बेटा, फिलहाल तो पे करना है ना, करो पे बेटा। अगर मैं एसेट साइड देखूं तो ना मेरे को ना बैंक दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं सारी बातें बैंक से ही चला दूं, कैश की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बैंक से ही चलाऊं सारी बात। चलो
करते हैं बेटा, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। सबसे पहले वाई का हिसाब किताब देखेंगे बेटा। लो करो टोटल बेटा, इसका कितना आता है? चलो जी, मैंने निकाल दिया बेटा बैलेंस, ठीक है ना। वाई को पे करना है, कर दो जी टू बैंक। तुम नजर लगाओगे मुझे, हाँ जी, गलत कराओगे तुम कैलकुलेशन। लो जी बेटा, कर दिया वाई को पे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब आपको एक बात बता देता हूँ। अब उसने बोला पे करेंगे कौन, एक्स और जेड अपने पैसों से पे करेंगे बेटा, और उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी चाहिए, ठीक है ना। मैं बैलेंस सी डी कैलकुलेट जरूर करूँगा, लेकिन रफ में, फेयर में कैलकुलेट मत करना। ना ही बेटा ये टोटल लिखना, ये टोटल भी मत लिखना अभी। हर चीज जितनी कैलकुलेशन हो रही है अब, जितनी भी होगी सब रफ में होगी बेटा। बाबू कैलकुलेट करो, 180, 191, 250। रब कर लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, थोड़ा सपोर्ट करो यार मेरा कैलकुलेशन में, तुम क्या लगे पड़े हो। लो बेटा, अगर मैं रफ में कैलकुलेट करूं तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्स का आ रहा है बेटा 191250 माइनस 11250, दैट मींस 1,80,000, ठीक है। अगर मैं जेड का टोटल करूं तो कितना आ रहा है बेटा, और बेटा 22,500 को माइनस कर दूं तो बेटा ये आ रहा है 54,000, ठीक है जी। मैंने रफ में कैलकुलेट कर दिया कि बैलेंस सीडी कितना कितना होना चाहिए एक्स और जेड का, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने स्टेप नंबर वन क्या लिखा था, बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लो रफ में, हो गया जी। मैंने ये लिखा था बैलेंस ड्यू टू वाई मतलब रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट कर लो, ये भी हुआ पड़ा है बेटा। और मैंने लिखा था स्टेप थ्री, इनका टोटल करो स्टेप वन और स्टेप टू का, और बांट दो न्यू पीएसआर, यानी कि बेटा इन दोनों का टोटल करो, एज वेल एज जितनी अमाउंट आपने बेटा वाई को दिया सबका टोटल करके न्यू पीएसआर में बांट, ठीक है ना। करें बेटा बांटें, पहले देख लो बेटा बांटनी कितनी है अमाउंट न्यू पीएसआर में, ये बांटनी है 367500। नई रेशो कितनी है बेटा, 3:2, नई रेशो है बेटा 3:2। लो फटाफट से बांटते हैं बेटा, आप देख लेना आप कैसे बांटोगे बेटा। लो जी बेटा, मैंने कैलकुलेट कर लिया 3:2, यही बैलेंस सीडी है। और अब आप कमाल देखोगे बेटा, चलो देखते हैं बेटा क्या एक्स और जेड इतना ही पैसा लाते हैं बेटा जो एक्स को हमने पे किया है, मुझे तो ये दिखाना है आपको। तो बेटा मैंने बैलेंस सीडी कैलकुलेट करा 220,500 और बेटा 147,000 रुपये। लो जी बेटा, अब मेरे को ये देखना है क्या एक्स और जेड इतना ही पैसा लाते हैं बेटा जितना हमने वाई को पे किया है। अब बेटा देख लो, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लेना, अब पेयर में करो हर चीज बेटा। हाईएस्ट साइड मुझे तो ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लो हाईएस्ट साइड को दोनों तरफ लिख लो बेटा, बेटा एक्स लेकर आ रहा है 40,500 रुपए बाय कैश 40,500। जेड का देखते हैं बेटा हाईएस्ट साइड, अगेन यही हाईएस्ट साइड है बेटा, जेड लेकर आ रहा है बेटा 93,000। क्वेश्चन यहां पर 99% खत्म हो गया, बस जो बात सोचने वाली है ये सोच लो, एक्स और जेड मिलाकर पैसा कितने लाए, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये आ रहा है 133,500। क्या वही हो गया जो क्वेश्चन ने कहा था, वाई को पे करेंगे एक्स और जेड उस पैसे से जो वो पैसा खुद लाएंगे, यानी कि बेटा फर्म के जो कैश में या बैंक में बैलेंस पड़ा है उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं करने वाले, वो खुद लाएंगे इतना पैसा। तो ऐसे केसेस में करना क्या होता है बेटा, जो भी अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर से वो कैलकुलेट करो, बैलेंस सीडी रफ में कैलकुलेट करो, तीनों को उठाकर या चार पार्टनर है चारों को उठाकर जोड़ दो, न्यू पीएसआर में बांट दो, ऑटोमेटिकली वही बैलेंस आएगा बेटा जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए चाहिए।
ठीक है ना, और सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा, ये बात आप बैंक से ही लिखना, ठीक है जी। यानी कि बेटा एसेट साइड में बैंक का होगा क्या, जितना पहले था उतना ही रह जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा जितना वाई को आपने पे करा उतना ही तो एक्स और जेड लेकर आए हैं बेटा, तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहले भी 15,000 लिखा हुआ है, अब भी 15,000 लिख दो। अब बेटा उन एसेट उन लाइबिलिटी को लिख देना जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज वेल एज बैलेंस सीडी को भी पोस्ट कर देना बेटा। क्लियर बात, क्वेश्चन का था, नोट करना है कुछ या बढ़े आगे? बढ़े आगे करना है बता दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ नहीं बोलोगे तो बेटा रब करना पड़ेगा, फिर बाद में पछताओगे। चलो आपकी मर्जी है, करना है नोट, रब कर दो। चलो ठीक है, कर देते हैं रब बेटा। क्वेश्चन नंबर 52, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं सेम कंसेप्ट पे लेकिन थोड़ा स्पीडी। लाल बाल एंड पाल, ये कैसे नाम है भाई? चलो, लाल बाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:7। लाल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड बाल एंड पाल डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। ठीक है जी, एक पार्टनर रिटायर हो गया, बचे हुए दोनों एक न्यू PSR डिसाइड कर लिया। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल एंड पाल शोड अ बैलेंस ऑफ 49,500 एंड 105,750 रिस्पेक्टिवली। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द लाल इज 135,750। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बाल एंड पाल इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल बिकेम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट और टू बी पेड टू द पार्टनर। बेटा अगेन कंसेप्ट सेम है बाबू, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, आप पे कर रहे हो उसको 135,750 और बेटा रिमेनिंग पार्टनर कह रहे हैं ये पैसे तो हम देंगे ही देंगे, एज वेल एज हम चाहते हैं हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। बाबू ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जो भी आपका बैलेंस सीडी आ रहा है, खैर क्वेश्चन ने दिया हुआ है बैलेंस सीडी भी, और जो भी बेटा आप पे कर रहे हो रिटायरिंग पार्टनर को, तीनों को जोड़ो नई PSR में बांट दो, सब कुछ हो जाएगा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लो प्यारे बच्चों फटाफट से खत्म करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। लो मैं करता हूं बेटा, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, या एक काम करो खुद से ट्राई करो एक बार, मेरा सॉल्यूशन मत देखना, आप ट्राई करो, देखता हूं कितना कर पाते हो। जल्दी से है बस 5 मिनट करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। बताऊं दिया, मैं बताता हूं ना बाबू, देखो कहता है उनकी एडजस्टेड कैपिटल दिस एंड दैट है, जो भी कहता है लाल बाल पाल ये तीन पार्टनर थे, ठीक है ना। मैं आपको बोलता हूं छोटा है क्वेश्चन बेटा, दिखने में बहुत आसान होता है लेकिन इसमें सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है। लाल बाल और पाल तीन पार्टनर थे बेटा, जब ये रिटायर हुआ, सॉरी लाल पार्टनर रिटायर हुआ है ना, जब ये रिटायर हुआ बेटा तो इसके
पेमेंट बैठती थी 135750, और बेटा बाल और पाल की एडजस्टेड कैपिटल इतनी और इतनी बैठती थी, दैट मीन्स बैलेंस शीट इतना और इतना बैठता था। ठीक है बाबू, हमने क्या करना है, पेमेंट भी लाल को अपनी जेब से करनी है और इन दोनों की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। मैंने सबको जोड़ा, न्यू पीएसआर में बांट दिया, दैट मीन्स बैलेंस सीडी क्या होगा बेटा 1164001746000। और बेटा आ कितना रहा था सही मायने में बैलेंस सीडी, बेटा ये आ रहा था और मुझे चाहिए ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको जेब से लाना पड़ेगा बेटा, अगर कैश जोड़ेंगे तभी तो इतना आ पाएगा, अगर ये कैश लाएंगे तभी तो इतना बैलेंस हो पाएगा। कितना बैलेंस आपका बिजनेस में इन्वेस्ट है, बस इतना बैलेंस सीडी आ रही है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ 50,000 के आसपास आ रही है, जबकि कहां तक लेके जानी है मुझे 116,000 तक, यानी कि आपको जेब से कुछ लगाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा घर से पैसा। ये दोनों पैसा लेकर आएंगे घर से, इतना और इतना। सोचने का गेम है, इतना टाइम होगा नहीं, आज एमसीक्यू बनाकर आया उसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही वो अटेम्प्ट करना। देखो टीचर के पास ना एमसीक्यू आने के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पेपर में पूछ ले केस नंबर 1, केस नंबर 3, केस नंबर 2, कुछ भी पूछ ले 6 नंबर में, और जब एमसीक्यू दे तो केस नंबर 4 और 5 पूछ ले। यार इतनी टेढ़ी चीज एक नंबर में पूछता है टीचर, परेशान पूरा करता है। टीचर के हाथ में अपॉर्चुनिटी ज्यादा की है, अकाउंट सबसे मुश्किल बैठती है एमसीक्यू के हिसाब से, ध्यान रखना ये बात। एक नंबर में ये पूछता है आपसे, सोच लो ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है जी, बढ़े आगे, कंसेप्ट नंबर 44 रिटायरमेंट को फिनिश करें। चलो जी, कंसेप्ट नंबर 44 रिटायरमेंट फिनिश करते हैं, मुझे बहुत खुशी है रिटायरमेंट फिनिश होने की। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, लिखने वाला मैटर बहुत सारा है बेटा। कैपिटल एडजस्टमेंट केस नंबर 5,
चलो जी फटाफट से नोट डाउन कर। हो जाती है बंदे की शक्ल ऐसी हो जाती है ये केस देख के, हो जाती है पेपर में यही आएगा। तो बेटा इस कंसेप्ट को समझेंगे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। वैसे बता देता हूँ, हल्की सी बात करता हूँ। अगर आपने देखा हो बेटा ये कंसेप्ट नंबर कहीं ना कहीं 43 से काफ़ी लिंक्ड है, ठीक है ना। रिटायरिंग पार्टनर को जो पे करना है वो तो रिमेनिंग पार्टनर लाना ही चाहते हैं, अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन फर्म ने कहा हम कुछ मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं कैश में या बैंक में। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा? बाबू जितना हम करते हैं कुछ कंसेप्ट नंबर 43 में उतना तो हमें करना ही करना है। बैलेंस सीडी हमें रफ में कैलकुलेट करना है, बहुत अच्छी बात। हमें बेटा रिटायरिंग पार्टनर को जो भी हमें अमाउंट देना है वो भी कैलकुलेट करना है, वो भी बहुत अच्छी बात। हम पहले क्या करते थे, उन दोनों को ऐड करते थे, न्यू पीएसआर में बांट देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, वो दोनों को तो ऐड कर ही रहे हैं। मान लो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई दे रहा है बैंक बैलेंस 5,000 रुपए और क्वेश्चन ने कह दिया फर्म्स वांट टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 15,000। फर्म चाहती है कि बैंक बैलेंस 15,000 रुपए पहुंच जाए, तो भाई यानी कि ये 10,000 कौन लेके आएगा, ये फिर रिमेनिंग पार्टनर ही लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 1 जोड़ेंगे, स्टेप नंबर 2 जोड़ेंगे, 10,000 और जोड़ देंगे और बांट देंगे न्यू पीएसआर में। और मान लो सेम क्वेश्चन में कह दे कि फर्म वांट टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,000, फर्म 2,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना चाहती है, यानी कि 3,000 को मैं यूज कर सकता हूं ना, तो बेटा मैं यहां से 3,000 को माइनस करूंगा, उसको न्यू पीएसआर में बांट दूंगा। समझ में आई बेटा मैंने इस पूरे स्टेप में क्या किया? सारी बात सेम है बेटा कंसेप्ट नंबर 43 की, बस हो क्या रहा है, अगर क्वेश्चन मुझे साथ साथ कह दे फर्म वांट टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 15,000, यानी कि बेटा 10,000 अब और कहां से आएगा, यानी कि बेटा जो हम पे करेंगे रिमेनिंग रिटायरिंग पार्टनर को वो तो हमें लाना ही लाना है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर को साथ ही साथ ये 10,000 भी लेकर आने हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, जो उनका बैलेंस सीडी था वो, जो बेटा पे करना था रिटायरिंग पार्टनर को वो, और जो 10,000 रुपए थे तीनों को जोड़ा, न्यू पीएसआर में बांट दिया। कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जाएगी, जो पे करना था वो भी आ जाएगा, 10,000 वो भी आ जाएंगे, जिससे मिनिमम बैलेंस ऑटोमेटिकली 15,000 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। या अगर क्वेश्चन कह दे कि फर्म वांट टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,000, तो यानी कि बेटा 3,000 का मैं बैंक बैलेंस यूज कर सकता हूं। या तो क्वेश्चन में ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते बेटा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बैलेंस सीडी निकाला, जो पे करना है बेटा रिटायरिंग पार्टनर को वो निकाला, और बेटा माइनस कर दिए 3,000 रुपए, ताकि ये मिनिमम बैलेंस तक पहुंच जाए, और बेटा जो अमाउंट आई उसको बांट दिया इन न्यू पीएसआर। क्लियर बात, करें क्वेश्चन अटेम्प्ट। चलो जी करते हैं बेटा अटेम्प्ट, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बाद में देखेंगे बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2021 इज, लाइबिलिटी में बोलता है क्रेडिटर हैं, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है ए बी सी की, एसेट साइड कैश इन एंड डेटर प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर मशीनरी और गुडविल। बड़े दिन के बाद किसी बैलेंस शीट में गुडविल देखी है बेटा, राइट ऑफ करनी है, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। चलो जी कहता है बी रिटायर्ड हुआ, प्रोविजन को 1,000 बढ़ा देना, स्टॉक को 10% कम कर देना, फर्नीचर को 5% कम कर देना, आउटस्टैंडिंग क्लेम है 1,100 रुपये के वो दे देना, क्रेडिटर्स को 6,000 से कम कर देना, गुडविल है फर्म की 22,000 रुपये, एफ पॉइंट काम का पढ़े। बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। बी को पेमेंट कर दो किस कैश से, जो ए और सी लेकर आए, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शन टू देयर पी एस आर एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। बेटा ऊपर कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 18,000, और फर्म कह रही है कितना कैश इन हैंड बचे हमारे पास, बस 10,000 बचे, यानी कि 8,000 में यूज कर सकता हूं, है ना, 8,000 में यूज कर सकता हूं। यानी कि बेटा मैं बैलेंस सीडी निकालूंगा, जो भी मेरे को बी को पे करना है बेटा वो अमाउंट निकालूंगा, माइनस कर दूंगा 1,000, क्योंकि 8,000 में यूज कर सकता हूं,
यहाँ पर पैसे लाने नहीं है बेटा, मिनिमम बैलेंस तो पहले ही आपके पास है, उससे कुछ ज्यादा है, आपको तो बैलेंस कम करना है, तो 8,000 माइनस करना, जो बचेगा बेटा बांट देना, नहीं पीएसआर में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, करके देखें, चलो फटाफट से करके देखते हैं बेटा। बाबू इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में हाथ बटा देना मेरा, क्योंकि पॉइंट में जाएगी कैलकुलेशन। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो और बेटा कैलकुलेशन पॉइंट में हो जाए, तो मैं तो कह रहा हूं पंखा ढूंढना शुरू कर देना, क्योंकि सुसाइड भी तो करना है ना बेटा। लो क्वेश्चन नंबर 55 रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट भूल रहा हूं बेटा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं ढंग से, क्वेश्चन करेंगे बाकी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एन सी, लो जी बात करेंगे बैलेंस शीट की। मैं फॉर्मेट ढंग से नहीं बना रहा हूं बेटा, सबसे पहले बेटा बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 40,000 and 30,000। बेटा उसके बाद जनरल रिजर्व है 12,000 रुपए के, बांट दो 3:1 में। थ्री रेशो टू रेशो वन में बांट दिया बेटा। उसके बाद मेरे पास बैलेंस शीट में गुडविल है, बांट दो बेटा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। पॉइंट में आनी शुरू होगी कैलकुलेशन। 10,000 को बांटना है बेटा 3:2:1 में, चलो बांट दिया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू कहता है बी रिटायर हो गया, प्रोविजन बढ़ाना है 1,000 रुपए से, तो बेटा प्रोविजन को बढ़ा दो 2 प्रोविजन। मैंने 1,000 रुपए से प्रोविजन बढ़ाया तो बेटा डेटर बच जाएंगे 21,000 के, 1,000 से और कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बोलते हैं स्टॉक को रिड्यूस कर दो 10% से, स्टॉक है 18,000 का, 10% से कम कर दो, 1,800 से कम कर दो, तो स्टॉक बच जाएगा बेटा 16,200 रुपए का। ठीक है जी, फर्नीचर को 5% से कम करना है बेटा, कम करते हैं फर्नीचर को 5% से, तो बेटा फर्नीचर बच जाएंगे 28,500 के। उसके बाद बोलता है देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बेटा एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है, कहता है ये भी पे करना है 1100 रुपए। आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100, बेटा हाथों हाथ लायबिलिटी में बुक कर लेना। चलो जी, कहता है क्रेडिटर को रिटर्न बैक कर दो 6,000 से, क्रेडिटर को यानी कि 6,000 नहीं देने, क्रेडिटर कम करने हैं बेटा, मैंने कम कर दिए हैं। चलो जी सारी एडजस्टमेंट कर दी। कहता है गुडविल है फर्म की 22,000, लो प्यारे बच्चों फर्म की गुडविल 22,000, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, बी का शेयर है 2/6 यानी कि 1/3, यानी कि बेटा अगेन कैलकुलेशन पॉइंट में। खैर निकाल दिया हमने बेटा बी का शेयर, अब मुझे क्या करना है बेटा, ए और सी गेनिंग पार्टनर है क्योंकि कुछ भी नहीं कहा, 3:2:1 है, बी रिटायर हो गया, न्यू रेशो और एज वेल एज द गेनिंग रेशो इज 3:1, ठीक है ना बेटा। तो ए और सी पे करेंगे बी को 7:3:3:3 किस रेशो में बेटा, 3:1 में। ठीक है जी, चलो जी, तो बेटा ए और सी पे कर रहे हैं बी को, मैं ऐसे थोड़ी कहता था कि मैं क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेता हूं खुद से, बस कैलकुलेशन ही घुमानी होती है, पॉइंट में भी घूमती है, सही घूमती है अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो। बाबू चलो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे सिर्फ एफ पॉइंट एडजस्ट करना है, मैं कर दूंगा एडजस्ट, आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं। बाबू हाइएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, इस तरफ का टोटल आ रहा है 5500, नहीं सॉरी
5400 और इस तरफ का टोटल आ रहा है 6000। दैट मीन्स रीवैल्युएशन में प्रॉफिट आएगा 600 रुपए का। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, ओल्ड रेशो है 3:1, यानी कि 300, 200 और 100, ठीक है जी। तो बेटा मैं रीवैल्युएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर देता हूँ। बाय रीवैल्युएशन 300, 200 और 100। चलो जी, 20 द रिटायरिंग पार्टनर, सबसे पहले इसको पे करके खत्म करो बेटा। अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो कैश लिखा है बेटा, तो पे किससे करूंगा, कैश से पे करूंगा, ठीक है जी। बी को सबसे पहले बी का हिसाब किताब निपटाओ जी। लो देखते हैं, बेटा कर लेना कैलकुलेट, मैं थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन करता हूँ, आपका भी यही आएगा। 48,200 पे करना है बी को, मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा। ए और सी के बैलेंसेस निकालने हैं, बट इन रफ फेयर काम नहीं करना ए और सी में बिल्कुल भी बेटा। अगर मैं ए के क्रेडिट साइड का टोटल देखूँ तो बेटा 46,300, मैं रब कर देता हूँ, बाद में आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। लो जी, अगर मैं बेटा टोटल देखूं तो बेटा ए का टोटल है 46,300 और कितना 10,500 रुपए डेबिट साइड में, ठीक है जी। बेटा अगर सी का देखूं तो बेटा 32,100 और पे कितना करना है 3,500। ठीक है जी, ए का बैलेंस आ गया, सी का बैलेंस आ गया, बी को जितना पे करा वो आ गया। क्या करना है बेटा लास्ट स्टेप में, सब जोड़ दो और कैश को माइनस कर दो 8,000, क्योंकि बेटा मेरे पास एसेट साइड में कैश है 18,000 का। 3,500 आ रहा है, अच्छा ठीक है 3,500। बेटा मेरे पास एसेट साइड में बैलेंस है कैश का 18,000 और क्वेश्चन मुझे कहता है फर्म चाहती है कैश इन हैंड 10,000 रुपए ही बचे, यानी कि मैं 8,000 का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है जी। तो बाबू लो 1, 2, 3 माइनस 8,000 और सबको बांट दो न्यू पीएसआर में। लो जी बेटा मैंने कर दिया, पहला बैलेंस जोड़ा, दूसरा बैलेंस जोड़ा, जो पे करा रिटायरिंग पार्टनर को वो जोड़ा, और सॉरी 8,000 करना था ना माइनस। लो जी 1,46,000 बचा बेटा, इसको बांट दो नई पीएसआर में। नई पीएसआर 3:1 ही होगी, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा आपको, ठीक है जी बांट दे। कुछ कह रहे हो कोई, एक सेकेंड अभी समझाता हूं बेटा। हाँ जी 3:1 आ गए, क्या करूं मैंने 8,000 क्यों माइनस करा ये समझाऊं, बिल्कुल समझाता हूं बेटा। मेरे पास एसेट साइड बैलेंस कितना है 18,000 और मेरे को क्वेश्चन क्या कहता है, एफ पॉइंट पढ़ते हैं, कहता है बी को पूरा पे कर दो और ये पे किससे करना, जो ए और सी पैसा लाए उससे पे करना, एज वेल एज ए और सी की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दो न्यू पीएसआर के, और कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। कैश इन हैंड 10,000 आना चाहिए नई बैलेंस शीट में, है कितना 18,000। तो बेटा 8,000 कहाँ ले जाऊं, सर ऑब्वियस बात है जब आप पे कर रहे हो ना बी को तो 8,000 वहां ले जाओ, और कोई रास्ता ही नहीं आपके पास, ठीक है ना, वहां ले जाऊं ना। तो बेटा मैंने जो पे करना था वो पे करके दिखा दिया, क्वेश्चन ने क्या बोला बेटा, ये दोनों कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी चाहते हैं, ये इतना पैसा भी लाना चाहते हैं कि बी को पे भी कर दें, और कैश इन हैंड का बैलेंस ना 10,000 ही आना चाहिए, यानी कि मैं 8,000 यूज कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या करा बेटा 1, 2, 3 ये मैं पिछले कंसेप्ट में भी जोड़ता था, मैंने जोड़ दिए। अगर क्वेश्चन कहता कैश इन हैंड का बैलेंस 30,000 चाहिए, 18,000 है कहता 30,000 चाहिए, यानी कि 12,000 और लाना पड़ता ना, तो मैं 12,000 और जोड़ देता फिर बांटता,
लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने कहा 10,000 चाहिए, 18,000 से आप 10,000 पहुंचाना चाहते हो, यानी कि 8,000 यूज कर सकता हूं ना, तो मैंने 8,000 यूज कर दिया, जो बचा इसको बांट दिया न्यू पीएसआर में। बेटा देखो मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन आ गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन 7,8,450 to 6,150। आप बेटा सारी कैलकुलेशन आप फेयर में कर सकते हो, और यकीन मानना जो मर्जी कैश आ जाए बेटा एट द एंड वो 10,000 ही बचेगा, 10,000 ही बचेगा अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। करके देखते हैं बेटा क्या 10,000 बचता है। बी का हिसाब किताब निपटा हुआ है, मैंने टोटल नहीं करा बेटा। लो जी करते हैं टोटल, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, मैंने ए का टोटल कर लिया है बेटा, लो जी ए कैश लेकर आया। सी का देखते हैं बेटा, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल यही आ रहा है। ये 2450 रुपए घर लेकर जा रहा है बेटा, ठीक है जी। देखो कैश में क्या क्या हुआ, चलो कैश देखते हैं बेटा कैश में क्या क्या हुआ। 18,000 का बैलेंस था, ठीक है, पे करा आपने, कौन कौन लेकर आया बेटा, सिर्फ ए लेकर आया, कितने लेकर आया 4,2,650, दैट मीन्स 60,650 हो गया कैश मेरे पास बेटा। आपने पे करा बी को 48,200, यानी कि 12,450 का बैलेंस हो गया। आपने 2,450 सी को पे करा, यानी कि बेटा 10,000 का बैलेंस हो गया। तो हमने कौन सा कुछ गलत किया है, ये तो करके भी नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मैं तो सोचा था सीधा 10,000 लिख दो। क्लियर, बिल्कुल। कंसेप्ट नंबर 44 के लिए तैयार रहना, बोर्ड्स CBSE बोर्ड 2022, अगर नहीं हुए तो 23 में दोबारा देना। चलो ठीक है जी। तो बाबू अभी 56 तक जितना बचा है, कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है बेटा, सब होमवर्क है आपके लिए। तो आज हमारा बेटा रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो गया, कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।